लगातार बच्चा चोरी की आशंकाओं के चलते निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इस बार बच्चा चोरी की आशंका के चलते पर्यटकों को निशाना बनाया गया। देखें इस रिपोर्ट में। इंदौर से महेश्वर घूमने आए कुछ पर्यटकों को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ जानलेवा हमला किया। महेश्वर घाट घूमने के लिए इंदौर के कुछ लोगों का समूह खरगोन पहुंचा, जहां जिले के भुवन तलाई गांव के ग्रामीणों ने इन्हें बच्चा चोर की आशंका में इन पर जानलेवा हमला कर दिया। वे जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे। ऐसा बोल बच्चा चोर समझ लेते आप टोटल कितने लोग थे? जैसे आठ लोग थे। आप इंदौर से महेश्वर की ओर जा रहे थे। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पुलिस और 108 पर भी हमला कर दिया। अतिरिक्त बल मंगाकर घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि इंदौर से महेश्वर घूमने के लिए निकले इंदौर के कार सवार युवक रास्ता भूलने से भुवन तलाई गाँव पहुँच गए, जहाँ ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझ उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने करीब 12 लोगों पर FIR दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए क्या है कि ये कुछ लोग थे, इसमें कुछ इंदौर के थे, कहीं के थे, एक लोकल वहाँ एक गुजरी गांव है जो धार जिले में पड़ता है, एक लोकल वहाँ का बंदा था जिससे लोग परिचित थे। ये उसको लेके किसी ढाबे पर खाना खा के वहाँ से ये इंटीरियर की एक रोड पर निकल गए थे। इनका कहना है कि ये गए तो वो रोड एक जगह बंद हो रही थी, वहाँ से जब ये गाड़ी घुमाने लगे वहाँ कुछ ग्रामीण लोग थे जिनको ऐसी आशंका हुई कि ये चोर है, तो उन्होंने कहा चोर चोर, तो ये लोग गाड़ी घुमा के भागे, तो उन्होंने इस पर पत्थर फेंका, तो वहाँ से भागते भागते फिर उस गांव के लोगों ने आगे भुवन तलाई गाँव के लोगों को फ़ोन पर सूचना कर दी थी कि ये यहाँ से कुछ लोग ऐसे भागे हैं। जो चोर चोर हल्ला हुआ था वो धीरे धीरे बच्चा चोर जो अभी अफवाहें चल रही हैं इस टाइप की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भुवन तलाई के लोग इस गाड़ी को रोक लिए, इसमें जो लोग बैठे थे उनके साथ मारपीट की। पुलिस को सूचना मिली थी, डायल 100 गाड़ी वहाँ पे गई, पुलिस फोर्स पहुँचा, इनको इनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, इनको वहाँ से छुड़ा के ले आए और इनका प्राथमिक इलाज करके इनको रेफर किया गया है। इसमें जो एक वहाँ पे बंदा था जो लोकल था उसकी तरफ से केस हमने रजिस्टर किया है और ये 307 भी हमने लगाई है। वो इसलिए कि काफ़ी दिनों से इस तरह का झूठा और दुष्प्रचार चल रहा है बच्चा चोरी का, जबकि एक भी घटना इस तरह की हुई नहीं है। और इन ग्रामीणों के इस बर्बरता के चलते सभी पर्यटक बुरी तरह जख्मी हैं। घायलों का इलाज खरगोन अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से 4 घायलों को महेश्वर से इंदौर रेफर किया है। 7 लोग आए थे 100 डायल से, जिनको बहुत मारपीट की गई थी, गंभीर रूप से घायल थे 4 लोग, उनको हम लोगों ने इंदौर भेज दिया है। उनके साथ में 3 लोग थे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उनको भी साथ में इंदौर भेज दिया। वो मेनली सर में ज्यादा इंजुरी थी और खून भी बहुत ज़्यादा जा रहा था, बाकी पूरी बॉडी में ही मारा है उनको, मतलब डंडे से मारा गया है, लट से, तो पूरी बॉडी में ही इंजुरी है उनको। मैंने 4 लोगों को सर में ज़्यादा इंजुरी है जिसके कारण उनको ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए उनको इंदौर भेजा गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस का अमला जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News खरगोन।